गुड मॉर्निंग क्लास. इन द प्रीवियस लेक्चर आई हैव टोल्ड यू अबाउट द ह्यूमन एस्किरेटरी सिस्टम. सो आई हैव टोल्ड यू अबाउट अ ह्यूमन एस्किरेटरी सिस्टम इज अ कंसिस्ट ऑफ अ पेयर ऑफ किडनी, अ पेयर ऑफ यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर एंड द यूरेथ्रा. तो मैंने आपको बताया था किडनी हैविंग अ मिलियन नंबर ऑफ द नेफ्रॉन एंड मिलियंस नंबर ऑफ द नेफ्रॉन एंड द नेफ्रॉन आर द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द नेफ्रॉन्स आर द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द किडनी. ठीक है. एंड नेफ्रॉन्स हेल्प इन द ब्लड फिल्ट्रेशन एंड द प्योरिफिकेशन ऑफ द ब्लड एंड द यूरिन फॉर्मेशन. सो द टूडेज टॉपिक वी विल डिस्क्राइब अबाउट द ब्लड फिल्ट्रेशन एंड द यूरिन फॉर्मेशन. ठीक है. सो बिफोर वी आई विल डिस्क्राइब अबाउट द यूरिन फॉर्मेशन, लेट्स रिवाइज द स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन. So if you remember, I have told you about the nephron is consist of the two parts, that is the Bowman capsule and the renal tubules. Renal tubules is consist of the three part, that is the PCT, DCT and the proximal PCT, DCT and the collecting duct. PCT ki full form proximal convoluted tubules and the DCT ki full form it is the distal convoluted tubules. Okay. So I am drawing a diagram again so you can easily understand what happened in the urine formation and the blood filtration. ठीक है. सो आपको कोई मतलब कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैं डिफरेंट कलर्स के पेन यूज कर रही हूँ. सो मैंने आपको बताया था बोमन कैप्सूल हैविंग द नेटवर्क ऑफ द ब्लड कैपिलरीज. Having the network of the blood capillaries which is known as the glomerulus. ठीक है. अभी आपको सब easily समझ में आएगा. सो देखिए अब आप मैं आपको स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन दोबारा बता रही हूँ. सो नेफ्रॉन हैविंग अ कप शेप स्ट्रक्चर विच इज नोन एज द बोमन कैप्सूल. क्या है बच्चा ये जो मैंने बनाया है? इट इज द बोमन कैप्सूल. बोमन कैप्सूल हैविंग द नेटवर्क ऑफ द ब्लड कैपिलरीज विच इज नोन एज द ग्लोमेरुलस. ठीक है. रीनल ट्यूबल्स में जब बोमन कैप्सूल है वो ओपन हो रहा है एक ट्यूबल लाइक स्ट्रक्चर में जो थोड़ा कॉइल्ड है, उसके लिए वर्ड यूज करते हैं पीसीटी. और पीसीटी की फुल फॉर्म होती है प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबल. नाउ द पीसीटी इज ओपन इन टू अ यू शेप स्ट्रक्चर जो मैंने पेंसिल से ड्रॉ कराया अभी. यू शेप स्ट्रक्चर इट इज नोन एज द हैनल्स लूप. क्या कह रहे हैं इसको? हैनल्स लूप. नाउ द हैनल्स लूप ओपन इन टू अगेन कॉइल्ड ट्यूबल लाइक स्ट्रक्चर. दिस इज नोन एज द डीसीटी. DCT open into a straight tube which is known as the collecting duct. Yeah.
इट इज नोन एज द कलेक्टिंग डक्ट। तो देखो आप ना पहले मतलब मैं आपको यूरिन फॉर्मेशन से पहले ब्लड की सप्लाई बता रही हूँ कि कौन सी ब्लड वेसल्स इन्वॉल्व होती है। तो देखिए फर्स्ट वन इज द रीनल आर्टरी। रीनल आर्टरी कैरी द ब्लड, रीनल आर्टरी कैरी द ब्लड फॉर प्योरिफिकेशन। रीनल आर्टरी कैरी द ब्लड फॉर प्योरिफिकेशन टू द किडनी। मतलब जो ब्लड वेसल्स किडनी की तरफ ब्लड को प्योरीफाई होने के लिए लाएगी वो कौन सी है? रीनल आर्टरी। नेक्स्ट, रीनल आर्टरी डिवाइडेड इनटू वेरी वेरी स्मॉल ट्यूब्स विच इज नोन एज द एफरेंट आर्टरी। एफरेंट आर्टरी जो किसमें एंटर करेगी? इट एंटर इनटू द ग्लोमेरुलस। ठीक है, रीनल आर्टरी डिवाइड हो गई है वेरी वेरी स्मॉल ट्यूबुल्स में और उसके लिए क्या वर्ड यूज करा है? इफरेंट आर्टरी। ब्लड कौन सा है इफरेंट आर्टरी में? जो प्योरीफाई होने के लिए आ रहा है। ये भी कौन सा ब्लड कैरी कर रही है? जो ब्लड को प्योरीफाई करेंगी किसकी तरफ? ग्लोमेरुलस की तरफ। अब जो इफरेंट आर्टरी है वो ज्वाइन करेगी अगेन स्मॉल ट्यूबुल्स लाइक स्ट्रक्चर में, उसके लिए वर्ड यूज करेंगे इफरेंट आर्टरी। तो दो हैं, एक है एफरेंट आर्टरी और दूसरी है इफरेंट आर्टरी। एफरेंट आर्टरी मैं अगेन बता रही हूं कैरी द ब्लड, कैरी द ब्लड टुवार्ड्स द किडनी और टू द नेफ्रॉन। जो ब्लड्स को नेफ्रॉन की तरफ ला रही हैं फिल्ट्रेशन के लिए वो कौन सी वेसल्स हैं? एफरेंट आर्टरी। ठीक है, इफरेंट आर्टरी कैरी द प्योरीफाई ब्लड, कैरी द प्योरीफाई ब्लड फ्रॉम द नेफ्रॉन और किडनी। ठीक है, अब ये जो इफरेंट आर्टरी है, इफरेंट आर्टरी किसको ज्वाइन कर लेगी? रीनल विन को। किसको ज्वाइन कर लेगी? रीनल विन को। और रीनल विन किस में ओपन होगी? इंफीरियर वीना कावा। इंफीरियर वीना कावा कहाँ पढ़ा था आपने? जब मैंने आपको बताया था हार्ट में ब्लड का सर्कुलेशन, जब मैंने आपको बताया था ना मैंने। तो देखो इसका मतलब ये है कि हाँ, जब बॉडी ब्लड को हार्ट में सेंड कर रही है, ठीक है, तो वो पहले हार्ट में सेंड करने से पहले बॉडी ब्लड को किस में सेंड करेगी? किडनी में। ये बात याद रखनी है, बॉडी सेंड द ब्लड टू द किडनी फॉर द प्योरिफिकेशन बिफोर सेंडिंग द ब्लड टू द हार्ट। क्योंकि हार्ट में तो कौन सा ब्लड जाएगा? डीऑक्सीजनेटेड बॉडी से, ठीक है, और लंग्स में जाके ओनली कौन सी गैस निकलेगी? CO2। लंग्स क्या निकालने के लिए है? बस CO2। लेकिन जो दूसरे टाइप्स के मेटाबॉलिक वेस्ट है वो कौन निकालेगा? किडनी। इसलिए क्या कहते हैं उसे? फिल्टरिंग ऑर्गन भी कहते हैं किडनी को। मैं तो दोबारा से आपको ब्लड वेसल्स की सप्लाई बता रही हूँ। क्या बोला मैंने? कि रीनल आर्टरी है वो कैरी करेगी ब्लड को प्योरिफिकेशन के लिए किडनी की तरफ। रीनल आर्टरी डिवाइड होगी एफरेंट आर्टरी में और एफरेंट आर्टरी किस में एंटर करेंगी? ग्लोमेरुलस में। ठीक है, तो एफरेंट आर्टरी इट कैरी द ब्लड टू द नेफ्रॉन फॉर द प्योरिफिकेशन। एफरेंट आर्टरी ज्वाइन करेंगी इफरेंट आर्टरी को डेट कैरी द ब्लड फ्रॉम द किडनी। और ये कौन सा ब्लड है? प्योरिफाई ब्लड। इफरेंट आर्टरी ओपन इन टू द रीनल विन, रीनल विन ओपन इन टू द इंफीरियर वीना केवा। ठीक है, डेट कैरी द ब्लड टू द बॉडी, डेट कैरी द ब्लड फ्रॉम द किडनी टू बॉडी या टू हार्ट। इतनी बात समझ में आ गई? अब देखिए हो क्या रहा है, जो इफरेंट आर्टरी है तो ये वाली ब्रांच है बच्चा एफरेंट आर्टरी। एफरेंट आर्टरी, चलो मैं दूसरे पेन से इसको कर देती हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। तो ये जो ऑरेंज से मैंने कर दी है अब इसको, ये कौन सा पार्ट है? एफरेंट आर्टरी। कौन सा पार्ट है? एफरेंट आर्टरी। ठीक है, अब ये एफरेंट आर्टरी ने क्या बना लिया है? नेटवर्क ऑफ द ब्लड कैपिलरीज बना ली है। और ये जो नेटवर्क ऑफ द ब्लड कैपिलरीज है, ये वाला पार्ट है, ये कौन सा है? इफरेंट आर्टरी। कौन सा है?
एफरेंट आर्टियोल। अब ये एफरेंट आर्टियोल ने क्या दे दिए है, एक ब्रांचेस दे दिए ब्लड कैपिलरीज की जो सराउंड कर रही है पीसीटी को, डीसीटी को और हेनल्स लूप से। मतलब एफरेंट आर्टियोल गिव द नेटवर्क ऑफ द ब्रांचेस, गिव द नेटवर्क ऑफ द ब्रांचेस दैट सराउंड द पीसीटी, डीसीटी एंड हेनल्स लूप। एंड दीज ब्रांचेस, जो ये वाली ब्रांचेस है, क्या वर्ड यूज करेंगे इसके लिए, पेरिट्यूब्युलर कैपिलरीज। क्या वर्ड को यूज करेंगे उसके लिए, पेरी ट्यूबुलर कैपिलरीज। क्या बोला मैंने आपको, मैं ब्लैक पेन से लिख रही हूं, एफरेंट आर्टियोल गिव नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स that surround PCT, Hennel's loop and DCT, and these branches are known as the peritubular capillaries। क्या कहते हैं उन्हें, peritubular capillaries। तो ठीक है, तो एफरेंट आर्टियोल कैरी द ब्लड, कैरी द ब्लड फॉर प्योरिफिकेशन टू द ग्लोमेरुलस, और ग्लोमेरुलस किसके अंदर प्रेजेंट है, बोमन कैप्सूल के अंदर। ठीक है, तो ये जो यूरिन फॉर्मेशन है, यूरिन फॉर्मेशन complete in three step, urine formation complete in three step। तो first step है filtration, तो first step क्या है, filtration। तो देखो इसमें हो क्या रहा है, afferent arteriole, afferent arteriole carry the dirty blood, कैरी द ब्लड फॉर द प्योरिफिकेशन। मैं यहाँ पे डर्टी ब्लड इसलिए लिख रही हूं क्योंकि इस ब्लड में यूजफुल सबस्टांस भी हैं और हार्मफुल भी हैं। तो एफरेंट आर्टियोल कैरी द डर्टी ब्लड या कैरी द ब्लड विच कंटेन यूजफुल एंड हार्मफुल सबस्टांस। ठीक है, और किसके लिए ला रही है, फॉर प्योरिफिकेशन, और यू कैन से फिल्ट्रेशन टू द ग्लोमेरुलस, और ग्लोमेरुलस किसका पार्ट है बच्चा, नेफ्रॉन का, बोमन कैप्सूल में जो प्रेजेंट है। तो फर्स्ट स्टेप क्या है, एफरेंट आर्टियोल कैरी द ब्लड विच कंटेन यूजफुल मैटेरियल, यूजफुल एंड हार्मफुल मैटेरियल फॉर द प्योरिफिकेशन। तो देखो जो यूजफुल मैटीरियल है, जो यूजफुल मटेरियल हैं, और यूजफुल मटेरियल क्या है, फॉर एग्जांपल ग्लूकोज, एमाइनो एसिड, वाटर है, सोडियम पोटेशियम आयन है, सोडियम आयन है, बाइकार्बोनेट आयन है, ये सब। ठीक है, और हार्मफुल मटेरियल क्या निकालना है बॉडी से, यूरिया। मैंने आपको बताया था ना कि जो ह्यूमन बींग्स हैं वो क्या है, यूरियोटैलिज्म है। ठीक है, तो हार्मफुल वेस्ट क्या निकालना है, बाहर। तो यूजफुल वेस्ट को बॉडी क्या करेगी, रीएब्जॉर्ब करेगी। यूजफुल सबस्टांस को बॉडी क्या करेगी, रीएब्जॉर्ब करेगी, और हार्मफुल सबस्टांस को क्या होना है, बॉडी से रिमूव होना है। ठीक है, तो क्या बता रही हूं मैं कि एफरेंट आर्टियोल, ठीक है, अब यहां पे देखिए डायग्राम में, एफरेंट आर्टियोल कैरी द ब्लड फॉर द प्योरिफिकेशन, या ग्लोमेरुलस में आ गया। ठीक है, तो देखो जो ग्लोमेरुलस से, ग्लोमेरुलस में जो ब्लड सेल्स हैं, ब्लड सेल्स हैं एंड प्रोटीन, ठीक है, दीज टू मॉलिक्यूल्स कैन नॉट पास फ्रॉम ग्लोमेरुलस। मतलब वो आगे की तरफ मूव नहीं कर सकते क्योंकि इनका साइज कैसा होता है, लार्ज थोड़ा।
और मैक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं ये. सो द लार्ज साइज मॉलिक्यूल लाइक द ब्लड सेल्स प्रोटीन्स कैन नॉट पास फ्रॉम द ग्लोमेरुलस एंड दीज रिटर्न बैक टू द बॉडी. वो ग्लोमेरुलस से ही क्या हो जाएंगे बॉडी में वापस सेंड हो जाएंगे. कौन से मॉलिक्यूल? ब्लड सेल्स एंड द प्रोटीन्स कैन नॉट पास फ्रॉम द ग्लोमेरुलस एंड दीज रिटर्न बैक टू द बॉडी. ठीक है, फ्रॉम द ग्लोमेरुलस से. ठीक है, तो ब्लड क्या हो गया? फिल्टर हो गया भाई. ब्लड सेल और प्रोटीन तो क्या हो गए? बाहर निकल गए. और अभी उस ब्लड में क्या प्रेजेंट है? यूजफुल मटेरियल प्रेजेंट है और हार्मफुल मटेरियल प्रेजेंट है. तो इस जब ग्लोमेरुलस से फिल्ट्रेशन हो रहा है ना, तो उसके लिए वर्ड यूज करते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन. क्या वर्ड यूज करते हैं? ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन. ठीक है, और इस फिल्ट्रेशन में हुआ क्या है कि लार्ज मॉलिक्यूल सच एज द ब्लड सेल्स एंड द प्रोटीन कैन नॉट पास फ्रॉम द ग्लोमेरुलस एंड दीज रिटर्न बैक टू द बॉडी एंड अदर मॉलिक्यूल लाइक यूजफुल मॉलिक्यूल भी और हार्मफुल मॉलिक्यूल भी दे पास फ्रॉम द ग्लोमेरुलस टू द बोमन कैप्सूल एंड बोमन कैप्सूल से आगे जाके पीसीटी की तरफ. तो फिल्ट्रेशन किस में स्टार्ट हुआ है? ग्लोमेरुलस में. इसलिए उसके लिए वर्ड यूज करते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन. और जो ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट होती है वो होती है 125 मिलीलीटर पर मिनट. एक मिनट में कितना ब्लड फिल्टर होता है आपकी बॉडी में? 125 मिलीलीटर. अगर आप डे की बात करोगे तो 180 लीटर ब्लड इज फिल्ट्रेट इन पर डे. तो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट कितनी है? 120 मिलीलीटर पर मिनट है और 120 लीटर पर डे है. ठीक है, तो ये स्टेप हुआ है फिल्ट्रेशन. तो क्या पढ़ा हमने फिल्ट्रेशन में? कि एफरेंट आर्टियोल कैरी द ब्लड फॉर द प्योरिफिकेशन एंड दैट ब्लड हैविंग द यूजफुल एंड हार्मफुल मटेरियल. सो यूजफुल मटेरियल बॉडी रीअब्सॉर्ब करेगी, हार्मफुल मटेरियल बॉडी रिमूव करेगी. लेकिन जो लार्ज साइज मॉलिक्यूल्स हैं वो ग्लोमेरुलस से पास नहीं हो रहे हैं एंड दीज मॉलिक्यूल सेंड बैक टू द बॉडी फ्रॉम द ग्लोमेरुलस एंड दिस प्रोसेस इट इज नोन एज द ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन. एंड द ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट इज द 120 मिलीलीटर पर मिनट और 180 लीटर पर डे. तो जो सेकेंड स्टेप होता है वो होता है री एब्जॉर्प्शन. क्या होता है? री एब्जॉर्प्शन. अब देखिए री एब्जॉर्प्शन में हो क्या रहा है? हो ये रहा है कि एफरेंट आर्टियोल ने किसको सेंड कर दिया बच्चा ब्लड? ग्लोमेरुलस को. ग्लो आरबीसी और वो प्रोटीन्स तो वापस सेंड हो गए, लेकिन इस ब्लड में अब मैं पेन से रिप्रेजेंट कर रही हूं. तो अब यहां ब्लड ना यूज करके क्या वर्ड यूज करेंगे? फिल्ट्रेट. ऑरेंज पेन से दिख रहा है क्या वर्ड यूज करेंगे? फिल्ट्रेट, क्योंकि वो फिल्टर हो गया है. ठीक है, क्या हो गया है? फिल्टर हो गया है. अब देखिए ये जो फिल्ट्रेट है किसमें पास हो गया? पीसीटी में. फिल्ट्रेट किसमें पास हो गया? पीसीटी में. तो मैं यहां पे जो ऑरेंज से रिप्रेजेंट कर रही हूं ना, इसको आप मानना कि ये क्या है? ब्लड फिल्ट्रेट है. और इस फिल्ट्रेट में यूजफुल मॉलिक्यूल भी है और हार्मफुल मॉलिक्यूल भी है. क्या है? यूजफुल मॉलिक्यूल भी है, हार्मफुल भी. तो यो मैंने ऑरेंज पेन से रिप्रेजेंट कर रहा है, इट रिप्रेजेंट द ब्लड फिल्ट्रेट. यहां ब्लड फिल्ट्रेट यूज कर रहे हैं क्योंकि ब्लड ग्लोमेरुलस में फिल्टर हो गया और फिल्ट्रेट आगे पास हो रहा है. तो इसमें जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, तो इस फिल्ट्रेट मैंने आपको बता दिया ग्लूकोज भी है, अमाइनो एसिड भी है, वाटर भी है, पोटेशियम भी है, सोडियम भी है, बाइकार्बोनेट. तो पीसीटी के फिल्ट्रेट से जो ग्लूकोज है वो किस में जा रहा है? पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज में. क्या सेंड हो गया? ग्लूकोज किस में चला गया? पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज में. ऐसे ही किस में क्या चला जाएगा? और पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज में सोडियम भी चला जाएगा, ठीक है, पोटेशियम भी चला जाएगा, ठीक है, और बाइकार्बोनेट्स आयन भी चले जाएंगे. और क्या चले जाएंगे? बाइकार्बोनेट्स आयन्स भी किस में चले जाएंगे? पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज में. मैं क्या बता रही हूं आपको कि व्हेन द फिल्ट्रेट, व्हेन द फिल्ट्रेट, ठीक है, रीचेस टू द पीसीटी, रीचेस टू द पीसीटी डीसीटी हैनल स्लूप, तो 99% क्या हो जाएगा? रीअब्सॉर्ब. यहां पे ना एब्जॉर्प्शन ना लिख के रीअब्सॉर्ब लिख रहे हैं, क्योंकि एक बार एब्जॉर्प्शन किसमें हो लिया है? स्मॉल इंटेस्टाइन में, इफ यू रिमेम्बर डेट. ठीक है, तो 99% क्या हो रहा है? रीअब्सॉर्ब. रीअब्सॉर्ब कैसे हो रहा है? कि जो ग्लूकोज है
अमाइनो एसिड्स हैं, सोडियम है, पोटेशियम है, बाइकार्बोनेट है, ठीक है। वो क्या हो गया है, रीअब्सॉर्ब हो गया है। रीअब्सॉर्ब का मतलब पीसीटी से ये मॉलिक्यूल्स किस में सेंड हो रहे हैं, पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज में। ब्लड तो वहां पे भी होगा, कैपिलरीज हैं वो, किस में सेंड हो रहा है बच्चा, पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज में। तो यहाँ पे जो मैंने ब्लू पेन से बनाई है वो क्या बनाई है, पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज, और इससे रिप्रेजेंट कर रहा है मैंने क्या, फिल्ट्रेट। तो ग्रीन पेन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि ये सब मॉलिक्यूल ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, सोडियम, पोटेशियम किस में चले गए हैं, वो किस में चले गए हैं वापस बताइए, पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज में, ठीक है। अब पीसीटी से, सॉरी ऑरेंज से रिप्रेजेंट करना है, पीसीटी से फिल्ट्रेट किस में आ गया, ये ऑरेंज से मैं फिल्ट्रेट ही रिप्रेजेंट कर रही हूं बच्चा, किस में आ गया ये, हैनल्स लूप में, किस में आ गया ये, हैनल्स लूप में। अब याद रखना, हैनल्स लूप में क्या होगा, इट रीअब्सॉर्ब द वॉटर, क्योंकि बॉडी नीड द लार्ज अमाउंट ऑफ द वॉटर, तो हैनल्स लूप क्या एब्जॉर्ब कर रहा है वॉटर को। अब फिल्ट्रेट किस में पास हो गया, डीसीटी में, किस में पास हो गया, डीसीटी में। अगेन द सोडियम, पोटेशियम और अदर मॉलिक्यूल इज रीअब्सॉर्ब, ठीक है, सोडियम पोटेशियम एंड द अदर मॉलिक्यूल इज रीअब्सॉर्ब इन द पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज, ठीक है। तो ये है रीअब्सॉर्प्शन। रीअब्सॉर्प्शन में कैसे लिखोगे, एज द फिल्ट्रेट पासिस फ्रॉम द पीसीटी, हैनल्स लूप एंड डीसीटी, तो 99% क्या हो जाएगा, रीअब्सॉर्ब, ग्लूकोज भी, अमाइनो एसिड भी, बाइकार्बोनेट आयन भी, सोडियम भी, पोटेशियम भी। जैसे ही फिल्ट्रेट पास करेगा किस में, हैनल्स लूप में, क्या रीअब्सॉर्ब हो जाएगा, हैनल्स लूप रीअब्सॉर्ब द वॉटर, हैनल्स लूप में रीअब्सॉर्ब क्या होगा, वॉटर, ठीक है। एज द फिल्ट्रेट पासिस फ्रॉम द डीसीटी अगेन द सोडियम एंड पोटेशियम सेंड बैक, ठीक है, टू द बॉडी, रीअब्सॉर्ब हो गए। अब देखो थर्ड स्टेप जो होता है किसका, यूरिन फॉर्मेशन का थर्ड स्टेप होता है, वो होता है सीक्रेशन। थर्ड स्टेप क्या होता है, सीक्रेशन। सीक्रेशन में क्या होता है कि अगर किसी मॉलिक्यूल्स की बॉडी में अमाउंट ज्यादा है तो पेरिट्यूबुलर कैपिलरी सेंड करेंगी फिल्ट्रेट में। जैसे अब मैं यहाँ पे सीक्रेशन के लिए ब्लैक पेन यूज कर रही हूं, तो देखो जैसे ये यहाँ पे पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज में क्या प्रेजेंट है बच्चा, ब्लड, और इस ब्लड में सपोज सोडियम की आयन बहुत ज्यादा है, मतलब हमारी बॉडी में सोडियम आयन बहुत ज्यादा है, तो सोडियम आयन किस में चला जाएगा, फिल्ट्रेट में, क्योंकि आगे जाके ये फिल्ट्रेट किस में पास होगा, बॉडी से बाहर निकलेगा। तो जिन मॉलिक्यूल्स की बॉडी में अमाउंट ज्यादा होती है, सोडियम हो गया, ऐसे ही डीसीटी से क्या सीक्रेट हो जाएगा, पोटेशियम आयन, किसकी तरफ, फिल्ट्रेट की तरफ। रीअब्सॉर्प्शन में फिल्ट्रेट सेंड करेगा मॉलिक्यूल्स को पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज में, सीक्रेशन में पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज सेंड करेंगी मॉलिक्यूल्स को फिल्ट्रेट में बॉडी से बाहर निकलने के लिए। तो जिन मॉलिक्यूल्स की बॉडी में अमाउंट ज्यादा होती है, ठीक है, उन मॉलिक्यूल्स को जो पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज हैं वो किस में सेंड कर रही हैं, डीसीटी में, पीसीटी में, रीनल ट्यूबुल्स में सेंड कर रही हैं, क्यों, बॉडी से बाहर निकलने के लिए। तो सीक्रेशन में, ठीक है, सीक्रेशन में ब्लड सीक्रेट द, और यहां पे ब्लड का मतलब है जो पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज में है, पेरिट्यूबुलस कैपिलरीज में जो ब्लड है वहां पे सीक्रेट द मॉलिक्यूल्स या आयंस, आयंस वर्ड यूज करो, सच एज द सोडियम पोटेशियम, सच एज द सोडियम पोटेशियम आयन इनटू द फिल्ट्रेट, इनटू द फिल्ट्रेट। और क्यों सीक्रेट कर रही है वो, टू मेंटेन द आयनिक बैलेंस इन योर बॉडी, आपकी बॉडी में आयन बैलेंस को मेंटेन करने के लिए क्या होता है, सीक्रेशन। एंड मेंटेन द आयनिक बैलेंस इन द बॉडी, इट इज नोन एज द ओस्मोरेगुलेशन, क्या कहते हैं उसे, ओस्मोरेगुलेशन कहते हैं, बॉडी में वाटर और आयंस की मेंटेन होने के लिए। तो कितने पार्ट हो गए यूरिन फॉर्मेशन के बच्चा, थ्री। फर्स्ट हो गया फिल्ट्रेशन, सेकेंड हो गया
सेकंड हो गया रीएब्जॉर्प्शन और थर्ड हो गया सीक्रेशन। अगर आपको समझ में नहीं आया हो तो मैं दोबारा से बहुत स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन बना रही हूँ ताकि आपको बिल्कुल क्लियर हो जाए, और थोड़ा सा बड़ा बना रही हूँ रिवाइज करवाने के लिए एक बार। लेट मी अगेन ड्रॉ अ डायग्राम। और मैंने आपको बताई थी कलेक्टिंग डक्ट्स ऑफ मैनी नेफ्रॉन आर जॉइन टूगेदर एंड दीज कलेक्टिंग डक्ट्स ओपन इन टू अ यूरेटर्स। तो यहाँ से जो ब्रांचेस निकालती हूँ ना मैं, इसका मतलब है कि यहाँ पे दूसरी कलेक्टिंग डक्ट्स जॉइन कर रही हैं। ठीक है, तो ये बोमन कैप्स बनाया दिया मैंने। ठीक है, अब मैं यहाँ पे बना रही हूँ एफरेंट आर्टियोल। ये बनाया है बच्चा मैंने एफरेंट आर्टियोल। अब मैं अलग अलग पेन यूज़ कर रही हूँ। ठीक है, एफरेंट आर्टियोल ने क्या बना दिया है, ग्लोमेरुलस नेटवर्क ऑफ द ब्लड कैपिलरीज। ठीक है, अब ग्लोमेरुलस से क्या कौन सी ब्रांच निकली है, ईफ्रेंट आर्टियोल। ब्लैक पेन से बनाते हैं, चलो ऐसे। कौन सी निकली है, ईफ्रेंट आर्टियोल, ये निकली है ना। एंड ईफ्रेंट आर्टियोल क्या हो गया है बताइए, उसने सराउंड कर दी है किसको, पीसीटी को। लेकिन हैनल्स लूप्स की ये क्या जाएगी, पैलर। ठीक है, तो उसे कहते हैं वासा रेक्टा। पर अभी आपको ना इतना डिटेल में नहीं जाना है, ये सारा प्रोसेस अगर आप मेडिकल लोगे 11th में तो और ज़्यादा डिटेल में है। अभी तो आपको बस ये बेसिक है। ठीक है, तो वापस से ये किस में ज्वाइन कर जाएगी, वासा उसमें रीनल विंस में। और अगर आप नेफ्रॉन का डायग्राम देखोगे ना तो वहाँ पे ब्रांचेस बनाई हुई हैं, तो मैंने आपको इजीली वे में बना दिया है ये। ठीक है, अब समझिए, अब क्या बताया मैंने आपको कि एफरेंट आर्टियोल ऑरेंज से रिप्रेजेंट कर रही हूं, कैरी द ब्लड फॉर द फिल्ट्रेशन। ठीक है, और यहाँ से यहीं से जो आरबीसी हैं या ब्लड सेल्स हैं और प्रोटीन्स हैं, ठीक है, वो क्या हो गए हैं, सेंड बैक टू बॉडी बिकॉज दे कैन नॉट पास, सेंड बैक टू द बॉडी। ठीक है, अब ये क्या हो गया, फर्स्ट स्टेप हो गया है फिल्ट्रेशन का यहाँ पे। अब जो फिल्ट्रेशन है, फिल्ट्रेट है, वो बोमन कैप्सूल से पास हो रहा है किस में, पीसीटी में। तो ये वाला कौन सा ट्यूबल जो पेंसिल से बना रखा है, ये क्या है, पीसीटी। ठीक है, फिल्ट्रेट पास हुआ है, और जैसे जैसे फिल्ट्रेट, ऑरेंज से रिप्रेजेंट कर रही हूँ मैं, जैसे जैसे फिल्ट्रेट पास हो रहा है पीसीटी में, ठीक है, तो जो यूजफुल मॉलिक्यूल हैं, यूजफुल जो मॉलिक्यूल हैं वो किस में चले गए, इस पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज में। जैसे ग्लूकोज, ग्लूकोज भी रीएब्जॉर्ब हो गया। ठीक है, और क्या रीएब्जॉर्ब हो गया, सोडियम आयन रीएब्जॉर्ब हो गया, पोटेशियम आयन रीएब्जॉर्ब हो गया, बाइकार्बोनेट आयन रीएब्जॉर्ब हो गया। रीएब्जॉर्ब का मतलब है कि फिल्ट्रेट से पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज क्या कर रही हैं, उन्हें रीएब्जॉर्ब कर रही हैं। फिल्ट्रेट से ग्लूकोज, सोडियम, पोटेशियम, ये क्या हो गए हैं, वापस सेंड हो गए हैं पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज में। अब जो फिल्ट्रेट है वो किसकी तरफ आ रहा है, हैनल्स लूप की तरफ आ रहा है। किसकी तरफ आ रहा है, हैनल्स लूप की तरफ आ रहा है। तो ये जो यू शेप स्ट्रक्चर है मैंने पहले ही बताया था, ये क्या है, हैनल्स लूप।
क्या है ये हैंडल्स लूप। तो होगा क्या, अब हैंडल्स लूप्स क्या सेंड करेगा, वाटर। तो फिल्ट्रेट से वाटर चला जाएगा किस में, इस ब्रांच में, इसको कहते हैं वासा रेक्टा या पेरिट्यूबुलस की जो कैपिलरीज है। तो यहां से क्या रीअब्सॉर्ब हो गया, वाटर किस में रीअब्सॉर्ब हुआ, वासा रेक्टा में जो हैंडल्स लूप के बिल्कुल पैलर है। मतलब वाटर किस में चला गया, हैनल्स लूप की सराउंड में जो पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज है। अब फिल्ट्रेट किस में जा रहा है, डीसीटी में, किस में जा रहा है, डीसीटी में। तो अगेन क्या एब्जॉर्ब हो गया, अगेन सोडियम एब्जॉर्ब हो गए हैं, पोटेशियम आयन एब्जॉर्ब हो गए हैं बाइकार्बोनेट आयन, सोडियम पोटेशियम बाइकार्बोनेट आयन क्या हो गए हैं, एब्जॉर्ब। सोडियम पोटेशियम और बाइकार्बोनेट आयन अगेंस्ट क्या हो गए हैं, एब्जॉर्ब। तो ये होता है रीअब्जॉर्प्शन। ठीक है, सिक्रेशन में अगर ब्लड में जो पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज में है, अगर ब्लड में सोडियम पोटेशियम की अमाउंट ज्यादा है तो ब्लड सेंड करती है फिल्ट्रेट को। ये तो जो मैंने ब्लड से इसमें एरो लगाया है, इसका मतलब वो क्या कर रही है, सिक्रेशन। सपोज यहाँ पे भी क्या हो रहा है, सिक्रेशन की वो कह रहा है कि भाई सोडियम की अमाउंट बहुत ज्यादा है बॉडी में, तो इन्हें सोडियम आयन बाहर निकालने की नीड है ताकि बॉडी में आयनिक बैलेंस मेंटेन रहे, तो उसको क्या कहते हैं, सिक्रेशन। ठीक है, देखो जब तक ब्लड पास हो रहा है पीसीटी में, हैनल्स लूप में, डीसीटी में, तब तो आप वर्ड यूज करेंगे फिल्ट्रेट। क्या वर्ड यूज करेंगे, फिल्ट्रेट। लेकिन अगर एक बार ब्लड, अब जो फिल्टर होके पूरा की जो पूरा ब्लड है सारा फिल्टर हो गया है कि यूजफुल मॉलिक्यूल रीअब्सॉर्ब हो गए हैं, सीक्रेट भी हो गए हैं अगर ज्यादा अमाउंट में आयन है, तो जब कलेक्टिंग डक्ट में आ गया है, ठीक है, तो कलेक्टिंग डक्ट में क्या कहेंगे उसे, यूरिन। कलेक्टिंग डक्ट में क्या हो गया है, यूरिन। समझ में आया क्या कहा, व्हेन द फिल्ट्रेट या ब्लड पास इन फ्रॉम द पीसीटी, हैनल्स लूप, डीसीटी, तब वर्ड यूज करोगे फिल्ट्रेट। भाई लास्ट स्टेप है नेफ्रॉन का, जिसमें रीअब्सॉर्प्शन और सीक्रेशन दोबारा हो सकता है, लेकिन एक बार अगर आगे किस में पहुंच गया, कलेक्टिंग डक्ट में, तो उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं यूरिन। क्या वर्ड यूज करते हैं, यूरिन। अब ये जो कलेक्टिंग डक्ट है आपको पता है किस में ओपन होगी, यूरेटर्स में, यूरेटर्स ओपन होंगे यूरिनरी ब्लेडर में, और ये जो यूरिनरी ब्लेडर है वो ओपन होगा किस में, यूरिथ्रा में। किस में ओपन होगा, यूरिथ्रा में। तो यूरिन फॉर्मेशन किस में हुई है, नेफ्रॉन में हुई है। नेफ्रॉन किस में प्रेजेंट है, किडनी में। तो यूरेटर्स कैरी कर रहे हैं यूरिन को टू द यूरिनरी ब्लेडर, और यूरिनरी ब्लेडर इसको स्टोर कर रही है अंटिल वी फील अर्ज टू गो फॉर अ टॉयलेट, एंड फ्रॉम द यूरिथ्रा द यूरिन इज रिमूव आउट। सो दिस इज द कंप्लीट प्रोसेस ऑफ द यूरिन फॉर्मेशन। ठीक है, नेक्स्ट में कल मैं और कंटिन्यू करूंगी, और कल ये आपका चैप्टर एंड है। थैंक यू सो मच।